Good afternoon, class 7. Today I am going to send you a video of lesson how surface landforms change in geography. This part I have already explained in online classes. Two times I have explained. Now I am going to continue from here. Weathering is more active in humid regions and in places where the range of temperature is high. वेदरिंग जो है वो आपके ह्यूमिड रीजन्स में बहुत एक्टिव रहते हैं एंड प्लेसेस जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है. इरोजन इज़ मोर एक्टिव इन रीजन्स ऑफ स्लोपिंग टेरेन. जो रीजन्स आपके स्लोपिंग एरियाज़ हैं, स्लोपिंग टेरेन्स हैं, वहाँ पर इरोजन बहुत ज़्यादा होता है. ऑल रॉक्स आर नॉट इक्वली प्रोन टू वेदरिंग एंड इरोजन. सारे जो रॉक्स होते हैं वो वेदरिंग के कारण या फिर इरोजन के कारण उन पर असर कभी होता है कभी नहीं, माने बराबर का एक असर नहीं होता है. सम रॉक्स लाइक शेल एंड स्टोन, लाइम स्टोन आर मोर इजिली ब्रोकन डाउन देन अदर्स लाइक सैंड स्टोन. शेल और लाइम स्टोन बहुत ईजिली टूट जाते हैं जैसे सैंड स्टोन टूटता है. प्लांट्स हेल्प्स टू स्लो डाउन इरोजन. अगर प्लांट्स ज़्यादा आपके निकले हुए ज़्यादा पौधे हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो उससे इरोजन कम हो जाता है. As their roots bind loose rocks particles and prevent them from being carried away. क्योंकि उनके जो roots होती हैं, जड़ें होती हैं plants की, उनसे particles, rock particles बंध जाते हैं और कहीं भी बहकर उड़कर नहीं जा सकते हैं. carried away, they can't be carried away as the roots of the plants bind them. Plants also act as barriers to wind. Plants के कारण जो है plants एक दीवार का बैरियर्स रुकावट का काम करते हैं विंड के लिए या फ्लोइंग वाटर के लिए. दस व्हेन ट्रीज आर कट डाउन टू मेक रूम फॉर क्रॉप फील्ड्स टाउन्स एंड सिटीज़ द रेट ऑफ इरोशन इंक्रीजेज. इसलिए जब हम ट्रीज़ या प्लांट्स को कट करते हैं तो वहाँ पर इरोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. डेन्यूडेशन, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ डेन्यूडेशन? द लेइंग बेयर ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग मास मूवमेंट एंड इरोजन इज़ नोन एज डेन्यूडेशन. मतलब ज़मीन का टूट के गिर जाना या फिर इरोड हो जाना, ठीक है, पार्टिकल्स इरोड हो जाना, उससे उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेन्यूडेशन. डेन्यूडेशन कॉजेज अ जनरल लोअरिंग ऑफ रिलीफ. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस वी विल लर्न एक्शन ऑफ रनिंग वाटर. दिस यू हैव लर्न वेदरिंग एंड इरोजन. नेक्स्ट वी विल लर्न एक्शन ऑफ रनिंग वाटर. Water is perhaps the most powerful agent of erosion. Erosion का सबसे strong point है water, running water. The earth surface receives water mainly from rainfall. Earth surface को पानी कहाँ से मिलता है? Rainfall से. A part of this water evaporates. इसका एक कुछ हिस्सा पानी भाप बनकर उड़ जाता है. Some of it seeps underground. कुछ underground water बन जाता है, ज़मीन सोख लेती है. And is called groundwater. उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. द वाटर दैट रिमेन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सर्फेस वाटर. और जो पानी धरती पर रह जाता है वो सर्फेस वाटर कहलाता है. बोथ सर्फेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर एक्ट एज एजेंट्स ऑफ इरोजन. दोनों ही चीज़ सूरत में सर्फेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर बोथ एक्ट एज अ एजेंट ऑफ इरोजन. ग्राउंड वाटर क्रिएट्स इंटरेस्टिंग अंडरग्राउंड फीचर्स सच एज केव्स. ग्राउंड वाटर क्या करता है, ज़मीन के अंदर जो है अलग अलग माने ज़मीन कट कट के केव्स बन जाते हैं, गुफा टाइप की बन जाती है. सरफेस लैंडफॉर्म्स आर ऑल्टर्ड बाय फ्लोइंग वाटर सरफेस वाटर. और जो पानी सतह के ऊपर है, सरफेस पर है, उसके कारण क्या होता है, सरफेस लैंडफॉर्म्स में चेंजेस आ जाते हैं. वाटर मेनी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द टेरेन मेनली रिवर्स मतलब जहाँ जहाँ पानी बह रहा है वहाँ पर ज़मीन उस कट कट जाती है जगह जगह से और रिवर अपना रास्ता बनाती है. डिपेंडिंग ऑन द टेरेन थ्रू विच इट फ्लोस अ रिवर परफॉर्म्स थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस. मीन्स जो स्लोपिंग एरियाज हैं वहाँ पर रिवर जब फ्लो करती है तो वो उसके तीन फंक्शन होते हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. मीन्स जब वो ऊपर पहाड़ से आ रही है, ठीक है, देखो यहाँ पर आप एक सिंपल डायग्राम से हम समझा सकते हैं. जब आपका जहाँ से सोर्स है रिवर की, ठीक है, जहाँ से रिवर आ रही है, ऊपर से आ रही है, अपने साथ चीज़ों को बहाते हुए लेके चली आ रही है, इरोड करके ला रही है, ठीक है,
ट्रांसपोर्ट करके ला रही है, और फिर जब प्लेन्स पे आती है तो वो क्या होता है, जो चीज़ें अपने साथ लाई है वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर मतलब आपका प्लेन्स पे जब वो रिवर आ जाती है, चाहे वो सिल्ट हो, चाहे क्ले हो, चाहे रॉक पार्टिकल्स हो, कुछ भी हो, वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से रिवर का तीन फंक्शन है, जहाँ से रिवर फ्लो होना शुरू हो रही है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन है, डिपॉजिशन। मैंने स्लोपी एरियाज़ मतलब क्या हो, तरेन मतलब स्लोपी एरियाज़ है ना, जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है। द कोर्स ऑफ अ रिवर मे बी डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस, अपर, मिडल एंड लोअर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द थ्री कोर्सेज ऑफ रिवर। टिल देन स्टडी अप टू हियर। थैंक यू चिल्ड्रेन।